बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी थी, लिहाजा लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में वोट किया। और निशंक से बातचीत की हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने। उत्तराखंड में आज इंतजार की रात है, सबको ये इंतजार है कि कब कल मतगणना का काम शुरू हो और इसके बाद नतीजे आना शुरू हो। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज की रात कितनी महत्वपूर्ण है और कितना वो निश्चिंत हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। निशंक जी, निश्चित रूप में हम लोग तो शत प्रतिशत न केवल जीत के प्रति बल्कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो सरकार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? अब वो बड़ा मुद्दा नहीं है, जिसको भी हमारा नेतृत्व ये जिम्मेदारी देगा आप उसके साथ हम सब लोग काम करेंगे। पहले तो बीजेपी कहती थी कि हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, और अब तो चीफ मिनिस्टर्स की गैलेक्सी पूरी आपकी पार्टी में आ गई है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें रस्साकशी ज़्यादा होगी? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक ही है कि जब इतना बड़ा परिवार होगा तो उसमें हर प्रकार के योग्यतम लोग होंगे, और जब योग्यतम लोग होते हैं या परिवार बड़ा होता है तो किसको किस समय और कहां पर किस मोर्चे पर खड़ा किया जाए वो परिवार के मुखिया तय करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हमारे यहाँ हैं, एक से बढ़कर एक है, और नेतृत्व तो जिसको भी तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये बताइए कि इस बार आपके उत्तराखंड में पार्टी ने, संगठन ने, आप लोगों ने चुनाव लड़ा है या मोदी जी ने लड़ा है? मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी संगठन से हैं, मोदी जी सामान्य कार्यकर्ता हैं, मोदी जी गरीब घर से गए हैं, मोदी जी ने भीषम और विपरीत परिस्थितियों को झेला है। इस पार्टी के लिए उन्होंने अपने तन और मन नहीं, पूरे रग रग खून का एक एक बूंद से पार्टी को सींचा है। तो पार्टी और मोदी जी को अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जहां पार्टी की बात होती है वहां मोदी जी होते हैं, जहां मोदी जी की बात होती है वहां पार्टी होती है। अटल जी ने जिस पीड़ा से, जिस छटपटाहट से, जिस मन से, जिस दिल से, और अटल जी की जिस सपने को से उन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उस सपने को वो साकार करेंगे, उन्होंने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोदी जी का पूरा संरक्षण होगा, तो इस राज्य को, यहाँ का चाहे नौजवान है, चाहे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप जैसी क्रांतिकारी योजनाओं को हम इस धरती पर सरसा सकेंगे, और यहाँ का नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो आर्मी का वन रैंक वन पेंशन तो उन्होंने किया ही, लेकिन जो यहाँ रगों में देशभक्ति का खून बहता है उस देशभक्ति को भी उसके शिखर तक पहुंचाने के तमाम योजनाएं होंगी, और ये निश्चित रूप में एक मॉडल स्टेट के रूप में देश इसको देख सकेगा। मैं आपके माध्यम से अपने उत्तराखंड की जनता को यही निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिल करके अपने खूबसूरत उत्तराखंड को महकाएं, विकसित करें। केदारनाथ की आपदा हुई थी, आपका जो दर्द लिया था आपने जनता के लिए, जिस तरीके से आपने चीज़ों को उजागर किया था, वो मुझे आज भी याद है। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उस समय जो सरकार थी, वो आज आपके साथ है, तो ये दो बातें विरोधाभासी भी तो हैं। निशंक ने जिस समय वहां पर केदारनाथ की यात्रा की थी, जिस दर्द और जिस छटपटाहट के साथ में सबसे पहले केदारनाथ पहुंचा था, वो पूरी देश और दुनिया ने देखा। ये निश्चित था कि तत्कालीन सरकार, चाहे उसके लिए जिम्मेदार ए हो, बी हो, सी हो, मैं किसी नाम पर नहीं जाता, ठीक, गैर जिम्मेदाराना रवैया था।